Hello friends, welcome to Global Online University. And in this episode of Top First Talk, we have with us Parmish Kaur. Parmish Kaur के बारे में आपको बताता हूँ, इन्होंने यहाँ IIT हैदराबाद से MSc किया है केमिस्ट्री में, और ये स्कूल ऑफ साइंसेज से गोल्ड मेडलिस्ट है. और इन्होंने जो है तो दिसंबर 2017 में GRF केमिस्ट्री पास किया है, जिनका ऑल इंडिया रैंक 60 था. और उसके बाद इन्होंने 2018 में गेट क्वालिफाई किया है. और एज अ पार्ट ऑफ जो IIT हैदराबाद एंड जापान कोलेब्रेशन, इसमें जो कोलेब्रेशन के थ्रू ये सपुरा साइंस प्रोग्राम के लिए जापान भी जाकर आ चुकी है. और अभी इनका जो नेक्स्ट जो इनके फ्यूचर में है, तो ये जर्मनी में PhD करने जा रही है अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में. तो ये यहाँ कॉन्वोकेशन के लिए थी, 5 अगस्त को यहाँ कॉन्वोकेशन है, जहाँ हमारे माननीय राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, उनके हाथ से इनका जो तो इनको डिग्री दी जाएगी. तो मैं सोचा कि क्यों ना इनको हमारे इस चैनल पे इनवाइट किया जाए, ताकि हमारे जो व्यूअर्स है उनको इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाए. तो वेलकम परमिश जी. थैंक यू, माय ऑनर. और आप बताइए कि मतलब आपका ब्रीफ, आपके बारे में बताइए, आप हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि आपका मतलब कहाँ सा बैकग्राउंड, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड जो भी. मैंने 11th एंड 12th में नॉन मेडिकल लिया था, एंड उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया इन केमिस्ट्री ऑनर्स. एंड उसके बाद मैंने जैम के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके IIT हैदराबाद में एडमिशन लिया. सबको यही लगता है कि IIT बॉम्बे लो, IIT दिल्ली, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, पर IIT हैदराबाद न्यू है. पर लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी, IIT हैदराबाद न्यू है, पर लेकिन इसने जो मेरे करियर को शेप दी है IIT हैदराबाद ने, वो बहुत अच्छी शेप में मेरा करियर हो गया उसकी वजह से. एंड उसके बाद अभी मैं जापान गई थी 2 वीक्स के लिए बिकॉज ऑफ IIT हैदराबाद ओनली, एंड नाउ आई एम गोइंग टू जर्मनी फॉर PhD बिकॉज ऑफ IIT हैदराबाद ओनली. ओके, सो दैट वाज इट. एंड फ्रेंड्स, जो परमिश, आप हमें ये बताइए हमारे दोस्तों को, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं अमूमन जो है तो जैम, CSR और UGC इसका प्रिपरेशन करते हैं, तो आप जैम के बारे में कुछ बताइए कि आपने जैम के लिए कैसे प्रिपेयर किया था और आपका क्या स्ट्रेटेजी था उस वक्त, क्या आपने कोचिंग लिया था या फिर आप विदाउट कोचिंग किए थे ये सब. जैम के लिए मैंने कोचिंग ली थी दिल्ली से ही. एंड वैसे कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. सेल्फ स्टडी के बिना आप कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सकते हो. सेल्फ स्टडी में और जैम के सिलेबस में आपको बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट आने चाहिए बहुत अच्छे से. वो आपको बेसिक बुक्स जैम के लिए, जैसे कि सोलोमन्स हो गई ऑर्गेनिक के ओके, लिए, और JDLE प्रीफर करी जाती है इनऑर्गेनिक के लिए, फिजिकल के लिए एटकिंस, आप बहुत अच्छे से ब्रश अप करके आओगे कंसेप्ट्स, तभी जैम इजीली निकाल सकते हो. तो आपने जो दिसंबर 2017 का GRF और इस साल का आपने गेट भी क्रैक किया है, तो उसके लिए आपने मतलब आपका कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी था या फिर आपने एमएससी किया, एमएससी का जो सिलेबस था वही आपने कंटिन्यू किया. MSc का सिलेबस तो किया ही किया, पर ओके लेकिन साथ साथ ऑर्गेनिक के लिए मैंने कैरोथस और क्लेडन को रेफर किया, ओके एंड इनऑर्गेनिक के लिए मैंने AG शार्प का 4th एडिशन, जो कि अभी न्यू ही आया मार्केट में, ओके उसको रेफर किया. और हुई बहुत अच्छी बुक है, मिशेल एंड टार बहुत अच्छी बुक है. एंड उसके बाद फिजिकल के लिए एटकिंस से मैंने प्रिपरेशन करी, एंड फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो एक सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके लिए मैंने बैनवेल से प्रिपेयर किया. तो ऐसे ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेट JRF के लिए है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ओके तो उसकी मदद से आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं. ये नहीं कि बस कुछ भी लेके शुरू हो गए चैप्टर को पढ़ना, ऐसे नहीं हो पाएगा. आपको क्वेश्चन पेपर्स लो, उनको उठाओ, उनके अराउंड जो कंसेप्ट हैं वो पढ़ो, ताकि आपको एक लाइन मिल सके कि आपको पढ़ना क्या है. ओके तो मतलब परवीश कौर करना चाह रही है कि मतलब हमारा जो फोकस स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यस, मतलब हर चीज़ ना पढ़े, बस आप देखें स्मार्ट कि वर्क इज स्मार्ट वर्क इम्पोर्टेंट. इज़ इम्पोर्टेंट. या सो परवीश जी, आप ये बताइए कि मतलब गेट के लिए आपने कुछ अलग से किया या फिर CSIR का और गेट का आपका प्रिपरेशन एक साथ ही चला, उनके बीच में ऐसा कुछ दोनों था. मैंने एक साथ ही करे थे. ओके, दोनों प्रिपरेशन आपने एक साथ जी किया. परमेश, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अमूमन जो हमारे व्यूअर्स हैं वो पूछते हैं कि सर, MSc के बाद जॉब करना बेहतर रहेगा या फिर PhD करना बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, मतलब लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या किया जाए, तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय होगी हमारे व्यूअर्स के लिए. जॉब की बात की जाए तो आई गॉट 2 प्लेसमेंट्स. एक बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक मेरा प्लेसमेंट हुआ बहुत अच्छे पैकेज के साथ, एंड एक यूनिवर्सिटी में भी एज असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा सिलेक्शन हुआ. ओके बट आई वॉन्ट टू चूज PhD बिकॉज ऑफ माई पैशन.
मेरा रिसर्च के लिए पैशन, एंड मैं कुछ करना चाहती हूँ. मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप अपने पैशन के साथ जाओ, नॉट ओके विद द चॉइसेस कि अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा. ओके सबसे ओके ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पैशन, जो आपका दिल कहता है ना, आपको वो करना चाहिए. ओके तो मतलब व्यूअर्स ये देखिए कि आप परमिश ये बोल रही है कि आप अपने पैशन को देखिए, अपना जो इंटरेस्ट है उसको देखिए, रादर देन आप पैसे का, तो ठीक है वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो परमिश जैसे आप अभी जर्मनी जा रही है, तो व्यूअर्स को आप क्या ये बताना चाहेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाता है PhD के लिए अब्रॉड? और अमूमन ये कमेंट में ये भी लोग पूछते हैं कि सर बहुत सारे प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करते, या फिर बहुत मुश्किल है PhD मिलना बाहर। तो भी क्या मतलब इसमें, क्या सच्चाई कितनी है और कितना ये है उसमें? एक्चुअली अब्रॉड PhD के लिए दो रास्ते हैं. एक है USA में, जहाँ पे आपको GRE, TOEFL और IELTS चाहिए. IELTS और TOEFL में से एक चीज़ चाहिए, एंड GRE इंग्लिश टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है GRE एग्ज़ाम देने में, और फिर IELTS TOEFL देने में बहुत खर्चा आता है. आपको इंग्लिश की बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है. ऑन द अदर हैंड, यूरोप में GRE नहीं मांगा जाता. वहाँ पे आप TOEFL या IELTS, इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट, क्योंकि हम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हैं, तो जस्ट नॉर्मल TOEFL और IELTS दे के आप अप्लाई कर सकते हैं. पर वहाँ के प्रोफेसर्स सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं, वो चीज़ ये है कि आप जो मास्टर्स में प्रोजेक्ट कर रहे हो और उनका जो आगे PhD का प्रोफाइल है वो मैच करना चाहिए. और दूसरी चीज़, एक CV आपका, करिकुलम विटे, जो आप उनको सेंड कर रहे हो. मतलब ये नहीं कि एक बनाया और सभी प्रोफेसर्स को वही सेंड कर दिया. वो ये चीज़ देखते हैं कि आपने उनको एक मेल सेंड करने में कितनी मेहनत करी है, बिकॉज वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. आप मेल सिर्फ सेंड कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है. तो और कई प्रोफेसर्स मांगते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशन लेटर एंड कवर लेटर. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एंड इनको लिखने का बहुत ही अलग स्टाइल होता है. तो सबसे ज़्यादा चीज़ें इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं. तो परमिश जैसे अभी कुछ हमारे जो व्यूअर्स है वो अभी MSc में एडमिशन ले लिया है, या फिर जो BSc फाइनल ईयर्स में, अब ये अगर PhD करना चाह रहे हैं अब्रॉड, तो इनको आप क्या मैसेज देना चाहोगी कि मतलब कैसे अपना प्रोफाइल ये अच्छे से बनाए? देखिए मैं बताना चाहूँगा कि परमिश का जो प्रोफाइल है बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल है। ये अपने फर्स्ट ईयर के बाद इंटर्नशिप की थी, 2 महीने का जो बीच में जो समर ये होता है वेकेशन, वहाँ इन्होंने इंटर्नशिप किया था। सेकंड ईयर में जो है तो ये जापान जाकर आई है। तो इनका जो प्रोफाइल है ये इस तरह का प्रोफाइल आप मेंटेन कीजिए। और यहाँ इन्होंने जो MSc सेकंड ईयर का जो प्रोजेक्ट है वो भी बहुत अच्छे से किया था। तो ये सब थिंग्स जो है तो ऐड हो जाती है जब आप रिसर्च एज अ करियर चूज करते हो। तो ये आप इन लोगों को क्या बताना चाहोगे जो अभी सिर्फ BSc खत्म किए हैं और MSc में एडमिशन लिए हैं, ये लोग इन लोगों ने कैसे अप्रोच करना चाहिए, अपना CV कैसे बिल्ड करें? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आप अगर रिसर्च में आगे जाना चाहते हो तो आपका रिसर्च ओरिएंटेड CV देखा जाता है. कि मान लो अगर आपने प्रोजेक्ट जैसा भी किया हो, जैसे भी फील्ड में किया हो, तो आपने, आपको इंटर्नशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मास्टर्स में. जैसे फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हुआ, आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो कोई. आप डिफरेंट डिफरेंट IITs में भी आजकल इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. और ये मत देखो कि स्टाइपेंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. मतलब अगर आपको रिसर्च के लिए डेडिकेशन है, तो आप बिल्कुल डेडिकेटेडली आप अच्छे से इंटर्नशिप्स करिए, एंड जिससे आपका CV स्ट्रांग हो सकता है. दोस्तों आप परमिश से मैं पूछना चाहूँगा कि इतना सब ये कर लिए, ये इनका प्लेसमेंट हुआ है 2 जगह, इन्होंने कम से कम 4 से 5 एग्ज़ाम क्रैक कर दिया है, और इन्होंने जो है तो मतलब जर्मनी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में इनका जो है तो PhD में एडमिशन हुआ है, इसका सीक्रेट क्या है परमिश, क्या खाती हो आप? ऐसा कुछ नहीं है. बाकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक सेल्फ मोटिवेशन, और हमेशा खुश रहो, दूसरों की खुशी में खुश रहो. और सबसे ज़्यादा चीज़ होती है स्टे पॉजिटिव. अगर आप अपनी लाइफ के साथ जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, आपके साथ उतना ही अच्छा अच्छा होगा. परमेश और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये सवाल थोड़ा सा जनरल है, केमिस्ट्री के रिलेटेड नहीं है, पढ़ाई के रिलेटेड है कि अमूमन जो व्यूअर्स हैं हमसे पूछते हैं कि सर पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, कोई भी ब्रेक लग जाता है, छोटी छोटी चीज़ों से जो है तो डिमोरलाइज हो जाते हैं और पढ़ना छोड़ देते हैं लोग। तो ऐसा मतलब आपको हमेशा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सबसे पहले आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए. ये नहीं कि बहुत बड़ा सोच लिया कि हाँ अब यही करना है. सबसे पहले आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए. ये नहीं कि बस सारा दिन बुक्स में बुक्स खोल के बैठे रहे, कुछ समझ आ नहीं रहा है. हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है लाइफ में. आप साथ में
पूरा टाइम टेबल बनाइए कि इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, इस टाइम पे एंटरटेनमेंट है, इस टाइम आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ओके सिर्फ और सिर्फ बुक्स को लेके बहुत ही मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं करना है ओके आपको। एक टाइम टेबल फॉलो करना है जिससे आप रेगुलरली अच्छे से पढ़ाई कर सको और बोर भी मत हो। ओके ओके तो मतलब ये कब अपना शेड्यूल जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अगर आप ऐसा मतलब परमिश बोल रही है कि अगर आप सिर्फ पढ़ते ही रहोगे तो ऑब्वियसली बात है आप बोर हो जाओगे। बीच में कुछ ना कुछ ऐसा रखिए जो आपको क्या बोलते हैं थोड़ा सा फ्रेश भी रहे और आप जो है तो कंटिन्यू कर सको। तो परमिश लास्ट आपसे सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो भी जो बहुत सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग PhD करना चाह रहे हैं, या फिर जो भी है अपने लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई जनरल मैसेज आप क्या देना चाहोगे? मेरा मैसेज यही है कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो, और अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो हमेशा आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। एंड मेक स्मॉल टारगेट्स, अचीव मोर, एंड ऑल द बेस्ट। ओके सो दोस्तों ये थी परमिश। मैं इनका जो है तो तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि हमारे जिन्होंने जो है तो मेरे रिक्वेस्ट को ये किया कि उसको अप्लाइज किया और हमारे चैनल पे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए यहाँ पर आई। थैंक यू डॉक्टर बहुत या पठान, इट वेलकम। इज़ माई प्लेजर बीइंग हियर। ओके तो एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मैं परमिश को एक बहुत छोटा सा गिफ्ट दे रहा हूँ। परमिश प्लीज़ इसको थैंक एक्सेप्ट करिए। यू थैंक्स, थैंक यू फॉर कमिंग। और दोस्तों प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। थैंक यू।